हाय एवरीवन, आज मैं आपको पावर बैंक एम्ब्रेन के पावर बैंक का रिव्यू देने वाला हूँ। इसे आप देख सकते हैं, इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। और एक बात और बताना चाहूँगा कि एम्ब्रेन का आप कोई भी पावर बैंक परचेज करेंगे तो सभी का जो सेलर है वो सेम है, डेट इज़ बीजे इन्फोटेक। मैं आपको उसके इनवॉइस में भी दिखा सकता हूँ। जो सेलर है वो है बीजे इन्फोटेक। अगर आप इसे पेटीएम से लें या आप इसे स्नैपडील से परचेज करना चाहे, फ्लिपकार्ट से करना चाहे, अमेजोन से करना चाहे, तो सबके लिए जो सेलर है वो सेम है, बीजे इन्फोटेक। तो आप चेक करिए कि कहाँ पे ये आपको सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, वहीं से आप परचेज कर लीजिए। एक और चीज़ मैं एम्ब्रेन के बारे में बताना चाहूँगा कि जब आप एम्ब्रेन का रिव्यू चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें बताई हैं, पॉजिटिव भी बताई हैं, नेगेटिव भी बताई हैं। तो पॉजिटिव मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले नेगेटिव चीज़ बता देता हूँ कि कई लोगों की कंप्लेंट ये रहती है कि ये मॉडल किसी और नंबर का ऑर्डर करते हैं और उन्हें जो रिसीव होता है वो कोई डिफरेंट मॉडल का होता है। और ये भी लोगों की कंप्लेंट है कि कभी कभार ये पुराना आइटम भी दे देते हैं। तो मैंने भी इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। आप मंगवाइए, चेक कर लीजिए, वो तो आपके रिटर्न पॉलिसी में ये चीज़ रिटर्न भी हो जाती है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमरिन का ये मैंने इसका जो मॉडल नंबर है वो है P1310। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कराया था ब्लैक कलर में। ये दो कलर में आता है, ब्लैक एंड वाइट। और 13,000 mAh का है, जो इसका जो बैकअप है वो 13,000 mAh का है। हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या है, और थोड़ा सा रिव्यू और मैं डिटेल में दूंगा इसका। ये इसके साथ मैनुअल है जो नॉर्मली सभी के साथ आती हैं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं, ये एम्ब्रेन का पावर बैंक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा। अगर आप ट्रैवलिंग में ले जा सकें, मैं बता देता हूँ, वेट भी बता देता हूँ, इसका वेट है 280 ग्राम का, ये 280 ग्राम्स। तो ये थोड़ा सा इसका वेट है मुझे लगता है, बाकी अपने अपने लोगों पे कैसी चॉइस रहती है, कैसा उन्हें लगता है वो। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट के अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें दो आउटपुट USB पोर्ट है, जैसे आप दो दो चीज़ें एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इनपुट यहाँ से लगेगा, चार्जर वही होगा जो आपके मोबाइल में यूज़ होता है। आजकल तो सब में कॉमन ही टाइप के चार्जर आते हैं स्मार्टफोन के लिए, वही यहाँ पे लगेगा और ये चार्ज करेगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो USB पोर्ट है, इसे आप ध्यान से देखिए। एक जगह लिखा हुआ है कि 2.1 एम्पियर और एक जगह लिखा हुआ है 1 एम्पियर। आउटपुट इसका 5 वोल्ट है, लेकिन करंट वेरिएशन आप देख सकते हैं कि कितना कितना करंट वेरिएशन है। आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए कि आपके मोबाइल का कंजप्शन कितना है। 5 वोल्ट तो वोल्टेज में लेता है, करंट भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप जिस चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं उसमें देखिए कि उसमें करंट की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है। और अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर से कम है तो आप अपना मोबाइल इससे चार्ज करेंगे, और अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा है तो आप अपना मोबाइल इससे चार्ज करेंगे। अगर आप ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो मोबाइल डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये इसी पावर बैंक के साथ नहीं है, सारी पावर बैंक के साथ आपको ये चीज़ चेक करनी है, अगर उधर मल्टीपल पोर्ट दे रखे हैं चार्ज करने के लिए। तो 1 एम्पियर से, अगर जैसे मेरे पास नोकिया का फ़ोन है, मैं उसे चेक करता हूँ, तो उसमें कुछ 1 एम्पियर से कम करंट वो होता है, क्या कहते हैं, मोबाइल मेरा लेता है। तो मैं हमेशा अपना नोकिया का मोबाइल इससे चार्ज करता हूँ। आप देख लीजिए कितनी वैल्यू है, उस हिसाब से चार्ज कर दीजिए। एक और चीज़, ये सारे स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नोकिया का करना है कि सैमसंग का करना है, ये सारे मोबाइल आपके चार्ज कर देता है। अब थोड़ी सी आ गए हैं हम इनपुट के लिए।
अब जैसा मैंने आपको बताया है कि इसको भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, तभी ये आपको बैकअप दे पाएगा। अगर आप इसको चार्ज नहीं करेंगे तो बैकअप कहाँ से मिलेगा आपको? तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप इसको देखिए कि इधर से ये चार्ज होता है 5 वोल्ट DC। तो जो आपका चार्जर है, मोबाइल का चार्जर, आप उसी से इसको चार्ज करेंगे। और आप जब चेक करेंगे कि ये जो आपका डिवाइस है, पावर बैंक है, ये चार्ज होने में, ये इधर चार्ज के इंडिकेटर हैं, ये टक टक चार इंडिकेटर हैं, जब ये पूरे के पूरे आपके ब्लू हो जाते हैं, इसका मतलब ये चार्ज हो जाता है। लेकिन जब आप इसे चार्ज करेंगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है चार्ज होने के लिए। उसका भी रीज़न है क्यों। अब मैंने आपको बताया कि आप इसे अपने चार्जर से ही चार्ज कर रहे हैं, और इसको रिकमेंड किया जाता है कि जब आप चार्ज कर रहे हैं तो 5 वोल्ट आउटपुट तो होना चाहिए, लेकिन जो करंट है वो भी आपका 1 एम्पेयर होना चाहिए। जबकि आपके चार्जर का जो करंट होता है, जो चार्जर से आप मोबाइल चार्ज करते हैं, तो उसका करंट 1 एम्पेयर से कम होता है। इसलिए अगर कम फ्लो होगा तो ये ज़्यादा टाइम लेता है चार्ज होने के लिए। इसलिए आप, अगर आपके पास ये इशू आता है कि इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 8 घंटे में चार्ज हो जाएगा और आपको 10-12 घंटे लग रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि जो आपका चार्जर, जिससे आप इसे चार्ज कर रहे हैं, वो ज़्यादा, वो कम वैल्यू का है, और इसको जैसे 1 एम्पियर चाहिए वो होगा 700 मिली एम्पियर का, इसलिए ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। बाकी मैंने आपको बताया कि 13,000 mAh का है, तो आप क्या कहते, देख लीजिए आपका मोबाइल अगर 2,000 mAh का है तो कितने बार ये 5 से 6 बार तक चार्ज कर देगा। जितना लिखा होता है उतनी वैल्यू नहीं देता कोई भी बैकअप। अगर ये 13,000 mAh है तो आप मान के चलो कि 11,000 mAh तक का ये आउटपुट देगा। समझ में आई बात? इसलिए इसमें टॉर्च भी दे रखा है, इसको प्रेस करके रखेंगे आप देख सकते हैं, टॉर्च भी अच्छा टॉर्च है ये, उसका दीजिए। तो ये इसका वो है, मैं तो इसको सिर्फ मार्क्स अगर मुझे देना पड़े तो मैं इसको फुल दूंगा। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम, थोड़ा सा हल्का सा वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। नॉर्मल अगर आप ट्रैवलिंग के लिए तो बढ़िया है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, विद इन, अगर आप एक ही जगह जाना चाहते हैं, मतलब बाहर, मतलब विद इन लोकल एरिया, तो उसके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा कैरी करने के लिए। थैंक यू।